आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल में काउंट इफ और काउंट इफ्स के फार्मूले को यूज़ करेंगे। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सेल ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और पहली मरतबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हम रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, मेरे पास लेफ़्ट साइड पे कुछ डाटा मौजूद है। यहाँ पर मेरे पास ट्रांजैक्शन टाइप्स और अमाउंट्स की डिटेल है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। और मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर इस टोटल में ऑनलाइन, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कितनी टाइम्स यहाँ पर है। मैं काउंट करना चाहता हूँ कैश मेरे यहाँ पर कितनी टाइम्स यहाँ पर कैश इन्वॉल्व हो रहा है और डेबिट कार्ड यहाँ पर कितनी टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर आना है और आपने यहाँ पर काउंट इफ़ के फार्मूले को यूज़ करना है। आपने यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन देना है, देन आपने यहाँ पर काउंट इफ़ को यहाँ पर लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ काउंट इफ़। काउंट इफ़ को लिखने के बाद काउंट इफ़ में यहाँ पर देखें दो आर्गुमेंट्स हैं, रेंज और क्राइटेरिया। यहाँ पर देखें रेंज सबसे पहले है यहाँ पर रेंज। अब रेंज कौन सी होगी, क्योंकि हमने फाइंड करना है ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड, इसीलिए इस क्राइटेरिया की रेंज ये ट्रांजेक्शन टाइप में मौजूद है। आपने इस वाली ट्रांजेक्शन टाइप को यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखें उसका एड्रेस यहाँ पर कॉपी होके आ चुका है। देन आपने यहाँ पर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपने यहाँ पर क्राइटेरिया, हमने क्या इस ट्रांजैक्शन टाइप में से इस वाले रो में इसमें रहते हुए हमने क्या फाइंड करना है, हमने ऑनलाइन फाइंड करना है कि ऑनलाइन कितनी टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है। देन यहाँ पर मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखें मेरे पास 4 टाइम ये रिपीट हो रहा है। देखिए ऑनलाइन 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब मुझे ये वाली जो ऑनलाइन है हमने यहाँ पर देखा काउंट कर लिया, इसी तरह मुझे ये कैश के लिए भी चाहिए, इसी तरह मुझे ये डेबिट कार्ड क्या भी फाइंड करना है कि यहाँ पर डेबिट कार्ड इस ट्रांजैक्शन टाइप में कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, इस तरह कैश कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। हम इस फार्मूले को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग्स रहती हैं। अब मैं इधर डबल क्लिक करता हूँ इस वाले रो में। डबल क्लिक करने के लिए यहाँ पर देखें, मैं इस B2 to B13 ये रेंज, यहाँ पर देखें ये रेंज हमें कैश के लिए भी यही रेंज चाहिए, हमें डेबिट कार्ड के लिए भी यही रेंज चाहिए। तो हमें इस रेंज को फिक्स करना होगा। फिक्स करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना है। जैसे मैं F4 बटन प्रेस करूँगा यहाँ पर देखें ये वाली रेंज जो है मेरी यहाँ पर फिक्स होके आ चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में देखें, मेरे पास यहाँ पर देखें F2 F इस कॉलम में ये एड्रेस है इस क्राइटेरिया का। यहाँ पर देखें हमें कॉलम यही चाहिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट नीचे मूव करूँगा तो कॉलम यही होगा, कैश वाला आएगा, डेबिट कार्ड कॉलम इसी में होगा, लेकिन ये रो नंबर चेंज होती रहेगी। यहाँ पर रो नंबर 2 है, फिर यहाँ पर रो नंबर 3 होगी और यहाँ पर रो नंबर 5 होगी। इसी तरह मैं F को यहाँ पर फिक्स करूँगा। यहाँ पर आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और 4 बटन प्रेस करना है और यहाँ पर $ इंसर्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं $ इंसर्ट करूँगा, F यहाँ पर हमारे पास ये वाला कॉलम यहाँ पर आप फिक्स हो गया है। अब मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा, अभी तो कोई चेंजिंग नहीं हुई। जैसे मैं इस फार्मूले को ड्रैग करूँगा और नीचे की तरफ ड्रॉप करूँगा, यहाँ पर देखें हमारे पास ये वाली ऑनलाइन कैश डेबिट कार्ड यहाँ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर देखें ऑनलाइन 1 यहाँ पर है, 2, 3 और इसी तरह हमारे पास ये वाली 1 ऑनलाइन 4 और इसी तरह हमारे पास बाकी भी जो कैश एंड डेबिट कार्ड हैं वो भी 4 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हुई हैं। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूले को यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूले में यहाँ पर देखें हमारे पास काउंट इफ्स का फार्मूला है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सम इफ्स के फार्मूले को यूज़ किया था। सम इफ्स हमें मल्टीपल क्राइटेरिया अलाउ करता है, इसी तरह हमारे पास काउंट इफ्स भी हमें मल्टीपल क्राइटेरिया अलाउ करता है। यहाँ पर देखें हमने ये करना है कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैश एंड डेबिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं कितने टाइम्स रिपीट हो रही हैं, और साथ ही हम ये भी फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो डेबिट कार्ड हो रही है, हमारे पास यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट हो रही है, ऑनलाइन कैश यहाँ पर हमारे पास डेबिट कितने टाइम्स हो रहा है और ऑनलाइन हमारा यहाँ पर क्रेडिट कितने टाइम्स हो रहा है, इसी तरह कैश हमारा यहाँ पर डेबिट कितने टाइम हो रहा है और क्रेडिट कितने टाइम हो रहा है और कैश कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये भी हम मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू, हम काउंट इफ्स के थ्रू हम यहां पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले यहां पर रहते हुए काउंट इफ्स को यहां पर लिखता हूं इज इक्वल टू काउंट इफ्स। यहां पर आपने काउंट इफ्स लिख लेना है। काउंट इफ्स यहां पर मैं लिख लेता हूं। अब यहां पर देखें काउंट इफ्स में सबसे पहले है क्राइटेरिया रेंज 1।
अब क्राइटेरिया रेंज हमने यहाँ पर ऑनलाइन फाइंड करना है, ये ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड हम, ये हमारे क्राइटेरिया है। अब ये क्राइटेरिया की रेंज कहाँ पर है हमारे पास, ये क्राइटेरिया की रेंज इस ट्रांजैक्शन टाइप में है। मैं यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन टाइप वाली रो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करता हूँ। कॉमा के बाद यहाँ पर देखें क्राइटेरिया वन हमारे पास। अब क्राइटेरिया कौन सा है, हमने क्राइटेरिया रेंज में से, इस वाली रेंज में से यहाँ रहते हुए हमें ऑनलाइन फाइंड करना है कि ऑनलाइन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। देन मैं यहाँ पर कॉमा देता हूँ। कॉमा देने के बाद यहाँ पर देखें क्राइटेरिया रेंज टू। अब क्राइटेरिया रेंज टू में हमने यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, ये हमारे दो क्राइटेरिया हैं, इनको फाइंड करना है। तो इनकी जो रेंज है वो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम में यहाँ पर मौजूद है। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ पर फिर से कॉमा प्रेस करता हूँ। देन यहाँ पर देखें क्राइटेरिया टू। अब क्राइटेरिया टू में हमने डेबिट और क्रेडिट फाइंड करना है। इसी डेबिट रेंज में से, इसी हमने क्राइटेरिया रेंज टू में से हमने कौन सा क्राइटेरिया फाइंड करना है, ये डेबिट और क्रेडिट, तो इस वाले रहते हुए हमें यहाँ पर डेबिट फाइंड करना है। इसलिए मैं यहाँ पर डेबिट सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑनलाइन जो है वो डेबिट में टू टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऑनलाइन हमारे पास जो ट्रांजेक्शन टाइप है वो डेबिट में टू टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इसी तरह मुझे ये सारों की फाइंड करनी है। सारों की फाइंड करने के लिए हमें फार्मूले में कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें B2 to B13, ये हमारे पास ट्रांजेक्शन टाइप है। अब ये हमारे पास ट्रांजेक्शन टाइप इस क्राइटेरिया की, ऑनलाइन में भी हमें यही वाली चाहिए क्राइटेरिया रेंज, कैश में भी यही वाली चाहिए और डेबिट कार्ड में भी यही वाली चाहिए। तो हमें इस क्राइटेरिया रेंज वन को फिक्स करना होगा। फिक्स करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना है। F4 बटन प्रेस करते ही आपके इस वाले रेंज में डॉलर साइन इंसर्ट हो जाएंगे, आपकी ये जो क्राइटेरिया रेंज है वो फिक्स हो जाएगी। देन यहाँ पर देखिए C2 to C13, ये एक रेंज है डेबिट और क्रेडिट की। यहाँ पर हमें यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों फाइंड करना है और वो भी इन्हीं रेंज में से फाइंड करना है। तो ये रेंज भी हमें फिक्स चाहिए, तो हम इसको भी अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करके यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। फिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर आते हैं F2 में। यहाँ पर देखें कॉलम F है और 2, यहाँ पर देखें इस वाले कॉलम में देखें क्राइटेरिया वन में, यहाँ पर देख रहे हैं क्राइटेरिया वन में देखें हमने ऑनलाइन फाइंड किया F कॉलम में रहते हुए सेकंड नंबर की रो में, ठीक है। लेकिन जब हम ड्रैग करेंगे नीचे तो हम कॉलम F में तो होंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर रो नंबर 3 हो जाएगी। इसका मतलब रो हमारी चेंज होगी लेकिन कॉलम हमारा फिक्स रहेगा। तो फिक्स करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और 4 बटन प्रेस करना है और डॉलर साइन यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पर देखें ये वाली कॉलम यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। देन यहाँ पर आए G1 की तरफ और क्राइटेरिया रेंज 2 में यहाँ पर देखें हमारे पास डेबिट और क्रेडिट फाइंड करना है। जब हम यहाँ से इस वाले कॉलम में यहाँ पर शिफ्ट होंगे, जब ये वाली हम इंट्रीज हम यहाँ पर फार्मूले को ड्रैग करेंगे, तो हमारा ये वाला जी वाला कॉलम एच में कन्वर्ट हो जाएगा, एच में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मतलब कि ये कॉलम चेंज होने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखें रो हमें यही वाली चाहिए क्योंकि हमें यही डेबिट और क्रेडिट फाइंड करना है, तो रो नंबर तो 1 ही रहेगी। तो इसीलिए रो को चेंज नहीं करना, सिर्फ कॉलम को यहाँ पर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर रो को फिक्स कर लेता हूँ, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और 4 बटन प्रेस करूँगा और डॉलर साइन यहाँ पर इंसर्ट कर लूँगा। यहाँ पर देखें एक दफ़ा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इस वाली क्राइटेरिया रेंज 1 को फिक्स किया है क्योंकि ये क्राइटेरिया इस ट्रांजेक्शन टाइप में से है और हमें हर किसी में यही ट्रांजेक्शन टाइप, यही क्राइटेरिया रेंज 1 में से ये क्राइटेरिया फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने इसी को फिक्स किया। हमने डॉलर और एफ ये वाले कॉलम को इसलिए फिक्स किया क्योंकि हमने जब नीचे जाएंगे तो हमें यही वाले कॉलम में रहते हुए ये काम करना है। तो ये वाला कॉलम एफ कॉलम यहाँ पर हमें फिक्स चाहिए था, इसलिए हमने इसे भी फिक्स कर लिया। इसी तरह आप नेक्स्ट आए यहाँ पर C2 to C13, यहाँ पर ये हमने इसलिए फिक्स किया क्योंकि यहाँ पर देखें डेबिट और क्रेडिट ये हमारा क्राइटेरिया था और ये हमारे इस रेंज में थे। हमने इस रेंज इस वाले में हमने इसलिए फिक्स किया क्योंकि हमें नीचे वाले जितनी भी अमाउंट चाहिए वो डेबिट और क्रेडिट इन्हीं रेंज में से चाहिए, तो इसको भी फिक्स कर लिया। नेक्स्ट में आए यहाँ पर जी और डॉलर 1 हमने इसलिए फिक्स किया, यहाँ पर देखें ये जी और एच, जब हम डेबिट से क्रेडिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जी वाला जो कॉलम है वो एच में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा तो उसकी रो एड्रेस चेंज होगा, इसलिए हमने जी को फिक्स नहीं किया। लेकिन जब हम इस तरफ आएंगे हमारे क्राइटेरिया जो है डेबिट और क्रेडिट ये रो नंबर 1 में है, तो हमें इसको चेंज नहीं करना, तो इसे फिक्स रखना है, तो हमने इसलिए इसको डॉलर साइन इंसर्ट करके फिक्स कर लिया। यहाँ पर मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ, अभी तो कुछ चेंजिंग नहीं हुई। जब मैं ये इस फार्मूले को ड्रैग करूँगा, यहाँ पर देखें ड्रैग करने के बाद ये कुछ वैल्यूज़ आई हैं और मैं इसको क्रेडिट की तरफ भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पर देखें ऑनलाइन कैश 2, ये भी 4 हो गया, कैश जो है 3, 1 ये भी 4 हो गया, डेबिट कार्ड 4 और 0 ये भी 4, 4 हो गया। मेरी ये पिछले वाली काउंट इफ में यहाँ पर 4, 4 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखें ये टोटल हमें काउंटिंग सही दे रहा है, यहाँ पर करेक्ट दे रहा है।
तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने काउंट इफ और काउंट इफ्स के फार्मूले को यूज़ किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।